ના નથી કોઈ આવતો, એક જ પાર્ટીસિપન્ટ. હમ કોઈ ફાયદો નથી તો અત્યારે એડ થાય છે. રાહુલ ગુપ્તા તો તો જવા દે, એટલે નીચે આવશે, જોઈન થઈ જશે. કોણ સવાલ કોણ કર્યું છે? મનોજ સર સ્ક્રીન શેર ક્યાં થઈ? અવાજ નહી આવે ને હમણાં. હેલો ઘનશ્યામજી, કોપી લિંક પેસ્ટ કરો ડાયરેક્ટ કરો. Sorry for the interruption. Actually, 30 minutes time was exhausted. So, we are again joining. We are again joining all the participants. So, almost all have joined again. So, we will continue this now. Yeah. Chalai. So I again request everybody to mute the mic, please. Hello. हाँ प्रतीक जी बोलिए, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है. हाँ तो घनश्याम, सॉरी घनश्याम गुप्ता जी पूछ रहे थे ना. हाँ ये पूछे डायमेट्रिक्स और सिक्कों में जो डायमेट्रिक्स है इसमें मैक्सिमम इंक का जो है वो ग्रामेज कितना रहेगा सिक्कों के कंपैरिजन में? हाँ हाँ जो डायमेट्रिक स्मॉल है ना. हाँ स्मॉल वाला. हाँ स्मॉल वाला आप लाइक GS6 की तरह यूज कर सकते हैं, स्पेशली फॉर आपको क्लियरिटी वाला प्रिंटिंग चाहिए, मतलब 10 ग्राम 11 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के आसपास. 11 ग्राम. और बाद में मीडियम में एम एम में आपको मिलेगा 20 ग्राम स्क्वायर मीटर. सर एक बार फिर से रिपीट करिए, आवाज नहीं आ रही है. अभी आ रहा है? नहीं आवाज थोड़ा सा वो हो रहा है, साउंड हो रहा है. अब हो रहा है सर? हाँ अब सही है. ओके तो डीमेट्रिक्स का स्मॉल है ना जो, उसका 10 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के आसपास आएगा आपको, ठीक है. और मीडियम साइज का जो है उसका आपको मिलेगा 18 से 20 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है. वो आप GS12 के कंपैरिजन में ले सकते हो उसको, GS12 हमारा जार का. और
लास्ट में है हमारा एल साइज, उसका आपको मिलेगा 45-48 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, लाइक अ सिक्को की तरह, ठीक है। और एक दूसरा आता है डीमेट्रिक्स में, अभी लॉन्च हुआ है, इसमें ऐड नहीं किया है, एक्स्ट्रा लार्ज आता है एक्सेल, डीमेट्रिक्स एक्सेल, उसमें आपको मिलेगा 180 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, 80 मैक्सिमम डिस्चार्ज उसका है, जो स्पेशियल इफेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। आप जो सिक्को का बोल रहे हैं ना, सिक्को में भी बॉल मीडियम लार्ज आता है, और हमारे में क्योसेरा में क्या एडवांटेज है, सिंगल हेड आप दोनों में यूज कर सकते, ठीक है। हमारा क्योसेरा हेड है, उसमें आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर से चेंज करके आप उसको नॉर्मल प्रिंटिंग और एप्लीकेशन प्रिंटिंग में आप उसको यूज कर सकते हैं। सपोज अभी आपको क्या है, हमारा GS40 आपके मशीन में लगा हुआ होगा, स्पेशल रिएक्टिव में होगा शायद आपका, ठीक है। अभी रिएक्टिव में जो हेड है और उसको आपको ब्लैक में यूज करना है तो आप नहीं कर सकते, आपको वही हेड चाहिए जो ब्लैक में ऑलरेडी आपने इंस्टॉल किया है, समझ गए आप। तो क्योसेरा में आपको वो एडवांटेज मिल जाएगा, सपोज आपका ऑर्डर है 6 मंथ का कुछ एप्लीकेशन का, तो आप एप्लीकेशन चला लो 6 मंथ, बाद में उसमें कुछ इंक डालना है तो आपको हेड चेंज नहीं करना पड़ेगा, सेम हेड आप दोनों में यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया सर। ये पर देखिए हेड की लाइफ कितना होता है, अभी हेड का क्या बोल रहे, विथ लाइफ, लाइफ टाइम, लाइफ लाइफ, ओके। यहाँ पे हमारा 15-20 मशीन के आसपास है मोरबी में, और जो 3-4 साल हो गया है, अभी तक हमने मैक्सिमम 2 प्रिंट हेड बेचे हैं, सेल किए हैं, समझ गए आप। तो लाइनिंग का ऐसा रहता नहीं है, डिपेंड ऑन स्क्वायर मीटर, डिपेंड ऑन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर क्वांटिटी, स्क्वायर मीटर 10 लाख, हाँ। हेड की लाइफ कितने स्क्वायर मीटर तक होती है, कितना ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है सर, वो क्या होता है आप कैसा है उसको मेंटेन करते हैं, कंडीशन के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन ये रिबूस्ट ज्यादा है, समझ गए आप, मेटल बॉडी पूरा नीचे आता है, आप उसको टच करेंगे तो भी कुछ नहीं होता है उसमें, और वाइप्स का यूज नहीं करना है, उसके ऊपर एक दूसरा उसका आता है राखला करके प्लास्टिक रबर का, उससे ही आपको मेन्यू क्लीनिंग कभी जरूरत पड़े, कुछ लाइनिंग आ गया, कुछ नीचे डस्ट आ गया तो क्लीन करने के लिए रबर जैसा उससे ही करना है, बाकी तो ऑटोमेटिक क्लीनिंग से आप हो जाएगा। शैलेश सर, इसमें एक चीज, मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये 50 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से है इसके अंदर, इवन इन ज़ारा 40 है, किसी जगह पे 45 है, तो इसके अंदर क्या डिस्चार्ज ऑफ इंक है वो ज्यादा है, किसके अंदर, क्योसेरा के अंदर, हाँ, क्यों इवन इवन दो इसके अंदर ड्रॉप साइज तो बड़ा है, हां जी, तो क्योसेरा का जो डिस्चार्ज है वो सबसे ज्यादा है, 50 ग्राम पर स्क्वायर मीटर है, ओके। इससे हमारी मतलब इंक का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाएगा इसमें, बिल्कुल बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा, नहीं सर, नहीं नहीं, आप उसका जो वेव फॉर्म है ना, सपोज आपको वो एप्लीकेशन में यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको इंक के लिए चलना है, तो हमारे में लिनियराइजेशन आता है, आप उसको कट कर सकते हैं, समझ गए, सपोज आपको 10% इंक नहीं चाहिए, आपको 8% ही चाहिए, तो डिजाइनर्स के साइड से जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो डिग्रेडेशन चार्ट होता है, ठीक है, ओके सर, डिग्रेडेशन होता है, सपोज 80 के बाद हमको कुछ डिग्रेडेशन नहीं मिलता है, 70, 80, 90, 100 एक जैसा ही लगता है, तो वहां से हम कट कर देंगे, तो डिजाइनर 70 डालेगा, 80 डालेगा, एक जैसा ही पड़ना है, तो उसका कुछ यूज नहीं है ज्यादा इंक डिस्चार्ज करके, ओके। अच्छा, क्योंकि मैं तो कमर्शियल साइड से हूं, तो मैं फिर मेरा वही क्वेश्चन आएगा कि इनके प्राइसेस में क्या डिफरेंस है, वो सेलर साइड शर्मा जी प्राइस बार में पूछ लेना आप, अच्छा ठीक है सर, हां बाद में पूछ लेना सर, वो 1-to-1 रखेंगे सर, वो 1-to-1 रखेंगे, हां सर, मैं हाँ। सर अमित शुक्ला बोल रहा हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ, अभी आपने कहा कि क्योसेरा हेड में लाइनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हाँ, होगी तो हम क्लीन कर सकते हैं, मिनिमाइज होती है, अगर हम क्योसेरा का हेड यूज करें तो हाँ, जो अगर हम सिंगल कलर निकालते हैं उसमें लाइनिंग बिल्कुल नहीं आएगी, नहीं आएगी सर, क्योंकि
भी आएगी तो पार्शियली होगी, आप उसको क्लीन करके निकाल सकते हैं, क्योंकि 16 रो नहीं है। देख लो दूसरे कोई भी प्रिंट है जिसमें 16 रो नहीं है। हाँ सर, हेलो, रो रो 16 रो है, 16 रो दिया है। सपोज एक नोजल में आपको ब्लॉक हो गया या कुछ हो गया, ओपन नहीं हो, तो उसके पीछे 15 नोजल उसको कवर करने के लिए। ऑन किया मैंने, म्यूट नहीं, ऑन किया। ओके सर, ओके, समझ गए आप? ओके सर, हेलो, हां जी सर, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं? मैं हेलो, आप अपने यहां का माइक म्यूट कीजिए, रिक्वेस्ट म्यूट द माइक, म्यूट कर दीजिए, म्यूट करिए। ओके सर, म्यूट करें कमल जी, म्यूट। ओके, हां, सो वी गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। प्रतीक जी, क्यों सेरा जो हेड है ये हमारी एग्जिस्टिंग मशीन में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते सर, उसके लिए आपको V3, क्योंकि वो उसका वेट भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा डिफरेंट है। आपको अभी जो हजार का हेड है उसके साथ हजार का इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपको HPC देख लो, आप XUS भी देख लो, कोई भी है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स उसका पूरा चेंज है, पूरा कलर बार फ्रेम चेंज है, पूरा डिजाइन चेंज है, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर पूरा चेंज है। रिप्लेस कर सकते हैं सर, मशीन रिप्लेस सर, डायमेटिक्स में भी नहीं लगा सकते? नहीं नहीं, ओके। सो वी आर गोइंग फॉर द हाउ टू मेंटेन आवर डिजिटल मशीन, डूज एंड डोंट्स, स्पेशली फॉर द ऑपरेटर और इंचार्ज पीपल हु प्ले विद द मशीन एवरी डे 24/7. So as you know, all of you, we need to clean the printhead, especially Czar printhead, with manual cleaning with the wipes. Okay, wipes से हमको clean करना है, और wipes जो होगा वो good quality का होना चाहिए, local quality का नहीं, क्योंकि local quality होगा तो उसके जो wipes के अंदर से जो रेसा जैसा निकलता है वो chance रहता है कि वो head के अंदर जाए और lining clear कर सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रतीक जी, इसका क्वालिटी कैसे चेक करें, इसका वाइप्स का? तो उसका चेक करने का तो नहीं है, लेकिन जो रिकमेंडेड है टेक्नो फेरारी का, जो उसने सजेस्ट किया है वो हम यूज कर सकते हैं। तो वो तो भी तो डुप्लीकेट दे सकता है? नहीं 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 नहीं, उसका एक कंपैरिजन फोटोज है मेरे पास, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें क्या माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से लिया हुआ है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए तो हमको पूरा लैब सेटअप करना पड़ेगा। नहीं सर, इसकी मेट्रोलॉजी क्या है सर, उसकी क्लोथ की, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम? नहीं, आप देखेंगे ना सर, देखेंगे ना क्लोथ, तो आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें लो क्वालिटी है, रेसा रेसा दिखेगा आपको उसमें, जो हाई क्वालिटी होगा वो स्मूथ होगा एकदम, वो तो वीविंग वीविंग वगैरह होती है। फिजिकली देखने में जैसे शाइनिंग आ रही है, या फिर उसके नंबर ऑफ पोर्स 1 स्क्वायर इंच में कितना होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या सर? समझ में नहीं आया। मतलब जो जो वो क्लोथ है उसमें भाई वो साइनिंग वाला है, विदाउट साइनिंग है, ऐसा कुछ, या फिर उसके नंबर ऑफ पोर्स हैं उसके बारे में कुछ, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। टेक्निकल डाटा हो उसके, जिसके बेस पे हम उसको चेक कर सकते हैं। टेक्निकल डाटा है लेकिन अभी नहीं है मेरे पास, मैं आपको वो शेयर कर सकता हूं। हमें कोई भी सप्लाई अगर कॉर्प भी सप्लाई कर रहा था, हाउ वी कैन इंश्योर दैट इज ओके? या इट्स गुड, बट वी विल शेयर डायरेक्टली टू मनोज सर और अनिल सर टेक्निकल डेटा, ठीक है ना? इफ यू कैन प्रोवाइड, प्लीज प्रोवाइड अस। यस श्योर, बट रिसेंटली राइट नाउ वी हैव नो टाइम एंड वी हैव नो डेटा, वी हैव टू कलेक्ट एंड आफ्टर वी विल शेयर टू यू। सो शैल वी अहेड? ऑपरेटर नीड टू चेक पैरामीटर ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम लाइक मिनिस्कस प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर, इंक टेम्परेचर, पंप्स वर्किंग, हाउ इट वर्किंग विथ हाउ मेनी RPMs. यू कैन सी इन द कैरियोका पैनल, अवर कैरियोका पैनल आप देख सकते हैं, ठीक है, कैसा है। तो एवरी 2 hours आपको वो चेक करना है कैसा क्या हो रहा है, कैसा सब स्टेबल है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कीप टेम्परेचर ऑफ की थर्मल,
सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, अगर जो आप डूज बता रहे हैं अगर ये नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो भी तो बताइए ना साथ में। इम्पैक्ट वो होगा कि आपका जो प्रिंट हेड का जो लाइफ होगा, जो प्रिंट हेड है जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका कम होगा, ठीक है। दूसरा कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होना, ये तो क्या है नॉर्मल मेंटेनेंस है। जैसे हमारी कार है, बाइक है, हम मेंटेन करेंगे तो वो अच्छे से चलेंगी, अच्छा ज्यादा एवरेज देंगी, तो मशीन का लाइफ थोड़ा बढ़ेगा, प्रिंट हेड का लाइफ बढ़ेगा जो प्रॉपर मेंटेनिंग चलेगा तो, ठीक है। जो हमारा इंक टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के आसपास, जो हमारा इंक सप्लायर होगा, सपोज आपका एस्मा ग्लास है, टोरोसिट है, वो इंक के ऊपर डिपेंड होगा। टोरोसिट का आप इंक लेंगे तो आपका इंक टेम्परेचर 45-46 रखना पड़ेगा क्योंकि उसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो भी आपको इंक सप्लायर है, जो भी आपको सजेस्ट करे, उसके अराउंड ही आपको इंक टेम्परेचर लगेगा, रखना पड़ेगा। आपने कई बार हमारा ऑपरेटर भाइयों ने देखा होगा, कब इंक टेम्परेचर आप 35-32 कर देंगे तो आपको जो प्रिंटिंग होगा वो ब्लर मिलेगा, क्लियर प्रिंटिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इंक टेम्परेचर 40 के ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, जो सजेस्टेड है, रिकमेंडेशन है, ठीक है। और ये प्रतीक जी हायर साइड में कितना रह सकता है वो हम प्रिंट क्वालिटी देख सकते हैं। हमारे तरफ यहाँ पे मैक्सिमम 48 तक गए हैं अभी तक टोरोसिट में, ये कार्विंग okay. होता है टोरोसिट का कार्विंग, उसमें हम 48-49 तक जा सकते हैं क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। वो लोग ही सजेस्ट करते हैं कि आप टेम्परेचर ज्यादा रख के, टेम्परेचर का क्या मतलब है, डेंसिटी कम कर देता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंक का उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सिमुलेट प्रिंट प्रोसीजर वंस अ वीक। आपका मशीन प्रोडक्शन में है तो एक वीक में आपको सिमुलेशन प्रोसीजर, या हमारे मशीन में विवाजेट 1 है उसमें पर्जिंग आता है, तो उसके क्या फायदा होगा, तो जो कुछ भी एयर रहेगा प्रिंटेड के अंदर, एयर गया होगा, कुछ भी गया होगा, तो वो निकल जाएगा और स्मूथ प्रिंटिंग करेगा, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट जा सकता हूं। परफॉर्म मेन्यू क्लीनिंग ऑफ द बेल्ट वंस अ डे। एक दिन में हमको बेल्ट के ऊपर जो भी इंक गिरा है प्रिंटिंग के टाइम, तो उसको क्लीन कर देंगे तो सही रहेगा, वरना जो क्लीन नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट वो होगा कि वो इंक धीरे धीरे रोलर के इनसाइड जाएगा, रोलर के अंदर, और रोलर और बेल्ट पे स्टिकी हो जाएगा, बेल्ट को पकड़ेगा वो, बाद में आपको मैकेनिकल मेंटेनेंस का जरूरत पड़ेगा, बेल्ट सही से नहीं घूमेगा, लोड ज्यादा लेगा हमारा एसी ड्राइव, तो ये जरूरी है कि हम बेल्ट को क्लीन रखें, जब भी हमको टाइम मिले तो बेल्ट क्लीन कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन द डिजिटल रूम टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो ये हमको हेल्प करेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइफ बढ़ाने में, ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए हमारा डिजिटल रूम का, वो तो हम लोग मोस्टली मेंटेन करते ही है। नीड टू चेक द टैंक लेवल्स एवरी 2 आवर्स। हमारे टैंक के अंदर इंक है या नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है पूरा पेस्टिक पंप ऐसे ही घूम रहा है, नीचे इंक ही नहीं है, तो ये पेस्टिक पंप आपका खराब हो जाएगा विदाउट इंक घूमेगा तो ऑपरेटर को वो 2 घंटे के एवरी 2 आवर्स वो चेक करना रहेगा तो सही रहेगा मशीन के लिए और पंप के लिए। पति जी जो ये स्टेरर है जो टैंक के अंदर, वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, उनके खराब हो जाते हैं वो बहुत जल्दी, तो वो ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली हमें महीने में 5-7 खराब हो जाते हैं। उसका अंदर जो कार्बन होता है ना सर, वो खत्म हो जाता है, मोस्टली वो प्रॉब्लम होता है। अभी जो हमारे मशीन आपके मशीन में है ना, अभी विवाजेट 1 में जो है ना वो डिफरेंट स्टीयरर है, ओल्ड मॉडल वाला है, अभी जो नया मॉडल आ रहा है उसमें उसने चेंज कर दिया है, ठीक है, जो वो नहीं खराब होता है उतना जल्दी, एडवांस वर्जन आया है। ओके, नेक्स्ट है नीड टू चेक द एक्सपायर डेट ऑफ द इंक बिफोर पुटिंग इन द इनसाइड द टैंक। टैंक के अंदर आप पहले इंक डालो, उससे पहले वो एक्सपायर तो नहीं हो गई है ना, वो खास चेक करना है। मोस्टली तो नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम क्या होगा, मशीन बंद रहेगा 1-2 महीने,
बाद में इंक डालेंगे तो बिना देखे डाल देगा तो वो दिक्कत होता है, तो वो हमको चेक करना रहेगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट ग्लोबल स्टॉप एंड ग्लोबल स्टार्ट प्रोसीजर्स वंस अ वीक। हमारे मशीन में ग्लोबल स्टॉप ग्लोबल स्टार्ट प्रोसीजर आता है तो उससे क्या होगा, पूरा इंक नीचे आ जाएगा टैंक में, वापस आप स्टार्ट करेंगे पूरा इंक, फ्रेश इंक ऊपर चला जाएगा, इसके अंदर कुछ भी पार्टिकल्स या एयर होगा तो वो सब निकल जाएगा। उसके लिए जब भी हमको एक वीक में टाइम मिले तो ग्लोबल रिस्टार्ट कर देंगे तो सही रहेगा। ठीक है प्रतीक जी, इसमें ग्लोबल स्टॉप स्टार्ट में कितना टाइम लगता है? टाइम लगेगा आपको आधा घंटे के आसपास। आधा घंटा? हाँ। और इससे क्या होगा, सब एक साथ हो जाएगा, जितना भी कलर है सब एक साथ स्टॉप होगा, एक साथ स्टार्ट होगा। इससे फायदा क्या होगा? करके हम चल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चेक द वर्किंग ऑफ द स्टरर मोटर वंस अ वीक। एवरी वीक जो स्टरर मोटर है सही से काम कर रही है नहीं कर रही है उसको हमको चेक करना रहेगा। वो काम नहीं कर रही है तो इंक जम जाने का प्रॉब्लम रहेगा इनसाइड द टैंक, हमारे टैंक के अंदर, तो काम करते रहना जरूरी है स्टरर मोटर। एंड नेक्स्ट है जो हमारा मैकेनिकल पार्ट्स है मशीन के अंदर, आप रोलर ले लो, बेल्ट है, हमारा एलिवेटर अप डाउन प्रोसीजर होता है, पेडेस्टल है, चारों पेडेस्टल, उसमें हमको एवरी वीक स्मूथ रनिंग के लिए उसके अंदर ग्रीस या जो भी है उसका मूविंग स्मूथ चले उसके लिए जो ग्रीस करना रहता है वो भी करना है, तो उसके लिए उसका लाइफ सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है जो एक्स यूएसबी फेंस होता है उसके ऊपर डस्ट जम जाती है, बाद में आपको प्रिंट इंजिन एरर फेस करेंगे, आप प्रिंट इंजिन एरर आ जाता है। वो क्या होता है कि एक्स यूएसबी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसके अंदर डस्ट जाएगी तो जाम हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो जब भी आपको टाइम मिले, एक दिन का प्रोडक्शन हो या ना हो ऐसा कुछ हो, तो एक्स यूएसबी एक के बाद एक निकाल के उसको ओपन करके आप ब्लोअर या हुअर से क्लीन कर सकते हैं तो वापस घूमने लगे। ठीक है। नेक्स्ट है क्लीन द इलेक्ट्रिकल पैनल विद द हुअर। हुअर से हमको पूरा इलेक्ट्रिकल पैनल क्लीन करना है, जब भी आपको टाइम मिले तब, ऐसा कुछ उसमें नहीं है लेकिन ज्यादा डस्ट अंदर हो गया है इलेक्ट्रिकल पैनल में तो उसको हुअर से क्लीन करना है, ब्लोअर से नहीं, ब्लोअर से ज्यादा आएगा। नेक्स्ट है फिल्टर एवरी टू मंथ, बोथ द फिल्टर, आगे वाला और पीछे वाला, एवरी टू मंथ हमको जो उसका टाइम पीरियड हो जाए तो उसको रेगुलरली चेंज करेंगे तो प्रिंट एड की लाइफ के लिए वो सही रहेगा, नॉर्मली हम लोग करते ही है। ठीक है। बाद में एक हमारा सक्शन फिल्टर होता है, जो सक्शन यूनिट होता है ना उसके अंदर बड़ा वाला एक फिल्टर होता है, उसको भी हमको एवरी सिक्स मंथ के बाद चेंज करना पड़ता है। उससे क्या होता है, वो चेंज नहीं करेंगे तो ड्रॉपिंग आता है, और हुड है हमारा हुड उसके अंदर से ड्रॉप कर पूरा सक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम है तो फिल्टर आपको चेक करना पड़ेगा, वो पूरा गंदा हो जाएगा या उसमें इंक आ गया होगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है चेक अलाइनमेंट ऑफ द रोलर सेल। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ वीर प्रताप जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा। हाँ बोलो जी, बोलो। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो डिजिटल इंक आती है हमारी, इसमें कोई वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं? अगर वेरिएशन आता है तो हम चेक कैसे करें उसको प्रॉपर्ली? हमने वो फेस किया है, वेरिएशन आता है उसमें, कभी कभी क्या होता है उसका लोड चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ हुआ है, हमने भी वो फेस किया है वो प्रॉब्लम, उसको चेक कर। आप एक काम कर सकते हैं, जो उसका आपके पास जो डब्बे में इंक आया होगा ना। यस सर। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर, सुनो। जो आपके डब्बे में इंक आया है ना, वो अब जब डाले तो आपको टेस्ट प्रिंट निकाल के रख देना चाहिए, वही एक उसका सॉल्यूशन है। टेस्ट प्रिंट निकाल के आप रखेंगे ना एवरी टू आवर या फोर आवर्स, जब भी इंक डालो तब, तो उसमें आपको सर रिपीट कर दीजिए थोड़ा, समझ में नहीं आया। हमारा पिक्सल होता है ना सर, पिक्सल चार्ट। यस सर। पिक्सल चार्ट, टेस्ट चार्ट, अजय टेस्ट चार्ट।
टेस्ट चार्ट यस सर समझ गए सर यस सर वो हमको रेगुलर या प्रिंट करेंगे ना तीन तीन या चार घंटे में तो उसमें कुछ वेरिएशन होगा तो आप मालूम कर सकते हैं। दूसरा प्रोसीजर मैंने एक बार ट्राई किया था जो मेरा खुद का है एक ऐसा प्रॉब्लम हमने फेस किया था यहाँ पे मोरबी में वो क्या होता ऑपरेटर ने गलती से मिक्स कर दिया लू के अंदर ब्लैक थोड़ा डाल दिया था थोड़ा ही डाला था फिर भी वेरिएशन तो आपको दिखने में आ ही जाएगा आउट ऑफ किलन में मिलेगा तो ऑपरेटर लोग क्या होता है वो एक्सेप्ट नहीं करते क्या मतलब टेक्नीशियन को बुलाओ टेक्नीशियन चेंज करेगा चेक करेगा क्या कुछ वेरिएशन आ रहा है तो बाद में मैंने पीछे सब चेक किया तो सेंसर में से मुझे थोड़ा ब्लैक लगा निकल रहा है तो मैंने वो प्रूव करने के लिए क्या किया फेसिंग होता है ना ब्लू का वो डब्बे में से निकाला ग्लेस वाला टाइल्स के ऊपर थोड़ा लगा दिया और जो टैंक के अंदर डाला था उसमें से एक ढक्कन ले लिया वो साइड में डाल दिया किलम के अंदर भेज दिया बाद में मार्क करके रखा था किलम के बाहर आया तो मालूम पड़ गया इसमें कुछ मिक्स किया है ये लोगों ने ठीक है तो आपको चेक करने के लिए क्या फ्रेश इंक को आप थोड़ा ग्लेस टेस्ट में डाल के किलम के बाद चेक कर सकते हैं कभी कभी ऐसा हुआ तो समझ में आ गया So, we'll go forward. Okay, so we had the do's and don'ts session of the machine. Hope you would have enjoyed with Pratik. Now, let us go a little bit commercial. So you are already dealing with the Corp services. You know the Corp services, what we are into. How do we cater the customers, the spare parts and the consumables. We are also into raw material now. So we are supplying spares and consumables for all the machines like Intesa, Hope, Deuce, Mizia, Projecta, System, Technoferrari, and all machines. So now we have started with the raw material also and we are going with the glaze line material, spares and so next step, we are just in the tie-up, we are in the phase of tying up with the Italian peoples. Slowly we will launch that products also. And in Technoferrari, we are not only into the digital machine, but we have the complete logistic solutions of Technoferrari. For example, we have automatic vehicles, we have the storage system, then we have the quality check machines like Examina and all that things. So we have lots of solutions, logistic solutions and finishing solutions of Technoferrari. So in case if you require any help or support on this, you can just call us. So next was the Q&A session, but I think the Q&A session we had in the between. So we'll skip this because we are going out of time now. So for any queries, you can connect me. On the screen, you have my number and my email ID. You can note it down if you want. So for any query, any related, any problem with the services or the sales or whatever it may be, so you can connect me directly. चले जी मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है हाँ हाँ जरूर सर एवर जो जो पूछना चाहे कोई भी कोई क्वेश्चन करना चाहे वो कर सकता है हेलो रिंकू यस सर रिंकू यस सर आप अपनी आवाज को म्यूट करो हाँ आप कोई क्वेश्चन करना चाहे वो क्वेश्चन कर सकता है हेलो मैं ऋषि तो पांडे बोल रहा हूँ सर हाँ मेरा क्वेश्चन ये है जतर में जैसे कोई वो करियोका को ऑन स्टार्ट या स्टॉप करता हूँ सर तो कई बार उसको कोई कलर को स्टार्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है प्रतीक जी क्वेश्चन सुना स्टार्ट होने में टाइम लगता है ना क्या बोले
जब मैं ग्लोबल स्टॉप स्टार्ट करता हूँ तो कई बार एक कलर को चढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, उसके लिए होता मुझे रेन कलर भी करना पड़ जाता है। रेन कलर भी करना पड़ जाता है। फिलिंग करने में टाइम लगता है या रेडी होने में टाइम लगता है? सर जो रिसर्कुलेशन के बाद की प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, रिसर्कुलेशन जब आ जाता है ना तो उसका रेडी होने में टाइम लगता है। तो आपने वो टेम्परेचर देखा होगा, टेम्परेचर उसका लो हो गया होगा, टेम्परेचर होता है ना इंक टेम्परेचर, ठीक है, इंक टेम्परेचर आपने आपने सपोज 40 सेट किया है ना तो वो 38-39 आएगा ना तब रेडी में आएगा। अच्छा सर, लेकिन सर मैं जैसे उसमें मैं रेगुलर कर देता हूँ तो वो रेडी हो जाता है। पर ये जो ऋषितोष जो ये सर बता रहे हैं ये एग्जैक्टली पॉइंट चेक करने का यही है, हमको उसका जो टेंपरेचर सेट पॉइंट टेंपरेचर है वो चेक करना पड़ेगा। जी। तो पहले कोई भी ग्लोबल स्टार्ट करता है कोई भी यूजर्स, तो पहले उसको ये टेंपरेचर चेक करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर इंक का लेवल आपने अलग अलग रखा होगा, किसी का 42 होगा, किसी का 40। अमल आप अपने यहाँ की आवाज म्यूट कीजिए। हाँ हाँ बोलिए, बोलो बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए कमल सर। मैं कह रहा हूँ जो हमारे जार का जो विड्थ है ना, प्रिंटिंग विड्थ, वो 70 mm है। हाँ 70 mm। और जो अपना क्यूस है रहा है सर वो 110 है। 110 mm। हाँ तो सर ये कैन बी एडजस्ट इन जार, हमारे मशीन में एडजस्ट हो सकता है सर ये उसकी जगह? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैकेनिकली भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉनिकली भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सटीरियर सर जो एक्सटीरियर मोटर है इसकी जगह कोई मॉडिफाइड वर्जन आया है क्या? मॉडिफाइड वर्जन आया है लेकिन वो आपके मशीन में यूज नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते, ऐसा है नया मशीन में मॉडिफाई आया। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए प्रदीप जी, जो आपने हेड बताए ना अलग अलग टाइप के, हाँ क्यों उसे का ये इंटरचेंज कर सकते हैं क्या कोई भी ऐसे? नहीं नहीं सर वो नहीं कर सकते, हम इंटरचेंज नहीं कर सकते कि जार की जगह पे वो लगाए, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बिजनेस okay, okay. मोनोपोली, बिजनेस मोनोपोली हो गए। ओके अच्छा दूसरा क्वेश्चन और था मेरा कि हेड का लाइफ कैसे इंक्रीज किया जाए? हेड का लाइफ आप उसको प्रॉपर मेंटेनेंस के जरिए आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ प्रॉपर मेंटेनेंस के जरिए, सपोज आपका टायर्स आ रहा है उसका टेम्परेचर जो होता है टायर्स का वो 55 के अबव नहीं होना चाहिए, टायर्स के ऊपर डस्ट नहीं आनी चाहिए, आगे ब्लोअर होना चाहिए, ठीक है? ओके छोटा छोटा जो मेंटेनेंस होता है जो आप उसको हेड क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसका जो ग्लोव्स है वो सही से आप उसके ऊपर क्लीनर डाल के स्मूथली आप एक हाथ से क्लीन करिए, ज्यादा उसको प्रेशर मत दीजिए। ये तो मशीन का कैसा है, हमारे कार जैसा है, सिंगल आदमी ड्राइव करेगा तो सही रहेगा, पांच आदमी ड्राइव करेगा तो सबका टेक्निक डिफरेंट होता है, ठीक है? वो बात तो ठीक है, पर ये मशीन तो मल्टीपर्पज है ना, 24 आवर चलता है तो बहुत सारे आदमी होते हैं, तो इसलिए सबको वो केयर करना पड़ेगा, एक आदमी नहीं सबको करना पड़ेगा, सबको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है। प्रतीक जी एक चीज था, यदि कोई डिजाइन है उस डिजाइन में हमें जो ग्रामेज है वो ज्यादा है तो उस डिजाइन को हम कुछ एडजस्टमेंट करके उसको मैच करके दोबारा कर सकते हैं कि वेट कम करके, मान लो 15 ग्राम है किसी में टोटल इन पर स्क्वायर मीटर, तो यदि हम उसको 10 ग्राम करना चाहें तो ऐसे एडजस्ट करके हो सकती है चीजें? हो सर, लेकिन आपका टोन चेंज हो जाएगा ना सर? नहीं टोन चेंज ना हो, वेव फॉर्म जो है जो उसका, हाँ 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 वो नहीं हो सकता, नहीं होगा, नहीं क्योंकि टोन चेंज हो जाएगा, हम कट करेंगे ना तो। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। जो अपना डायमेटिक्स का हेड है ग्लू का वो कभी कभी यूज होता है, उसका पर्जिंग और बाकी चीज तो हम करते रहते हैं लेकिन उसके बाद फिर भी उसमें अलार्म आता है, उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? कौन सा अलार्म आता है? इंक का अलार्म। नीचे अलार्म लिखा हुआ होगा ना,
हाँ तो वो अलार्म कौन सा टाइप का आता है? बम सर्किट अलार्म आता है या इंक लेवल अलार्म आता है, क्या अलार्म आता है वो आपको देखना पड़ेगा। केवल इंक अलार्म लिखा रहता है सर उस पर विवाजेट वन में। केराजेट सर, केराजेट। ओ केराजेट का मुझे इतना आइडिया नहीं है सर। ओके प्रतीक जी, तो, सर मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ, बोलिए। कि जब कोई डिजाइन है, जब वो डार्क डिजाइन है, तो जिनमें मोर देन 10 ग्राम पर स्क्वायर मीटर है, तो उसमें किसी पर्टिकुलर हेड में पर्टिकुलर पोजीशन पे ही मोटी लाइनिंग आ जाती है, तो उसका क्या प्रेशर की आती है ना, प्रेशर की? प्रेशर तो सबके सेम ही सर एडजस्ट होते हैं, मतलब वो परमानेंट नहीं आती है, कभी आती है बाद में चली जाती है वापस आ जाती है, ऐसा होता है ना? हाँ, लेकिन एक ही हेड में आती है, एक ही हेड में होता है, तो वो क्या होता है, वो हेड का जो डिस्चार्जिंग कैपेसिटी है ना, वो लो हो गया है अभी जी, वो पर्टिकुलर प्रिंट हेड का। अच्छा, जो उसका वो क्या होता है, वो पूरा मतलब उसका एज हो गया है अभी, अभी वो यंग की तरह काम नहीं कर रहा है, तो उसको आपको सही से चेंज करना पड़ेगा। वो नॉर्मल डिजाइन में चलेगा, हेड खराब नहीं हुआ, लेकिन उसका लाइफ अभी एंड के ऊपर आ गया ऐसा। मतलब उसका जो नॉर्मल वर्किंग होता है ना, वो सही से नहीं करेगा, लाइफ हो जाएगा ना। तो जी एक्सयूएसबी अलार्म के बारे में बताओ, ये क्यों आता है? एक्सयूएसबी अलार्म मैंने बोला ना आपको, वो जब टाइम हो तो फैन बैन वो सब निकाल के सही से घूम रहा है नहीं घूम रहा है, उसके वजह से आपको हीट हो जाएगा टेम्परेचर की वजह से, तो आपको एक्सयूएसबी अलार्म आएगा। वो ये कंटिन्यू आता रहता है हर दो घंटे में, तीन घंटे में, फिर रिस्टार्ट करो, फिर वो जो आप प्रोसीजर बता रहे हो सारे करो, फिर आता है दोबारा दोबारा। वो आपको टेम्परेचर की वजह से ही आता है, टेम्परेचर आपको ज्यादा होगा तो वो दिक्कत होता है। दूसरा होता है हमारे वो जो कम्युनिकेशन केबल होता है ब्लैक का, ब्लैक कम्युनिकेशन प्रिंटर जैसा केबल आता है ना पीछे राउटर में जाता है, शायद वो भी लूज हो गया होगा, ऐसा कुछ होगा, तो भी आपको एक्सयूएसबी अलार्म दिखेगा, एक्सयूएसबी स्टार्ट नहीं होगा। आप बता रहे हो ये चीजें तो हम जैसे करते ही रहते हैं नॉर्मली, आपसे भी पूछ लेते हैं कोई प्रॉब्लम आती है तो, पर इन चीजों का सॉल्यूशन परमानेंट नहीं हो पाता। केबल चेंज कर लिया, टेम्परेचर का मेंटेन कर लिया, फिर भी एक दिन के बाद नहीं तो दो दिन के बाद आ जाता है, ऐसा परमानेंट तो नहीं है, क्योंकि वो कुछ तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स अभी है तो ऐसा तो रहेगा, लेकिन उसका प्रॉपर मेंटेन ही आपको बचा सकता है सर। हेलो, हाँ सर। अच्छा, हेलो सर। हाँ, मेरा तो ये क्वेश्चन कभी कभी, हेलो, हाँ सर, जैसे कभी कभी कोई डिजाइन में प्रिंट जो है उबर के आता है, कभी वही प्रिंट मर्ज होके आता है, ऐसा क्यों होता है? क्या होता है, जैसे ग्लेज के अंदर मर्ज हो जा रहा हो और कभी ग्लेज के ऊपर प्रिंट जो है कभी मतलब ड्राई नहीं होता है ना, ड्राई नहीं होता डिजाइन आफ्टर प्रिंटिंग, ड्राई नहीं होता, कभी ऊपर ओवर आवर आफ्टर प्रिंटिंग ड्राई नहीं होता, ऐसा ना आप बोल रहे कभी कभी? हाँ सर। सर ऐसा है, वो क्या जैसे मास्टर वगैरह होते हैं उनसे अलग दिखता है। हाँ, तो आपका ग्लेस साइड से आपको चेक करना पड़ेगा सर। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स वी विल हैव टू क्लोज द ऑफिस नाउ एंड दिस सेशन विल नेवर एंड इफ यू गो कीप गोइंग क्वेश्चन आंसरिंग दिस सेशन, सो आई थिंक वी शुड हैव सम अदर सेशन फॉर दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स और टेक्निकल क्वेश्चन आंसर्स लेट अस से, राइट? सो क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है, और हमारा ऑफिस का टाइम है 4 बजे के बाद हमको ऑफिस नहीं खुला रखते हैं, कल पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे खुला रखा था। तो एक सवाल और बताइए प्रदीप जी। हाँ बोलिए। जैसे अभी मशीन बंद है तो हम क्या क्या मेंटेनेंस कर सकते हैं अभी? मतलब आपको पावर चालू या पावर बंद है? पावर बंद है। पावर बंद है ना? हाँ जी। तो कोई जरूरत नहीं, ऐसा ही रखो उसको, एसी है तो एक एसी चालू रखो। हाँ, एसी चालू, एक एसी चालू है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा उसमें। और वो उंदर अंदर ना आ जाए वो ध्यान रखना, चूहा चूहा। हाँ, वो उसका दवाई रख दिया है वो मेंटेन करना पड़ेगा। हेलो हेलो पंडित जी। हाँ, ये जो बंद किया मशीन हमने, शट डाउन कर दिया, पावर कट ऑफ कर दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा उसमें। सर ये लास्ट 2 मिनट्स का हेडसेट पावर, लास्ट 2 मिनट्स सर। हां सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हां बिल्कुल बोलिए।
सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे हमने डिजिटल मशीन को शटडाउन कर दिया, ग्लोबली शटडाउन कर दिया, तो मतलब मशीन हमारी बंद है, उस कंडीशन में हम एसी चला के रखें या बंद कर दें? तो मशीन एक एसी चालू रखना है तो वो सही रहेगा। और टेम्परेचर कितना?